हेलो बॉस आंटी। हाय, कैसी हैं आप? आयशा ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। अरे बाबा बैठो, चाय वाय पियो। चाय तो मैं रोज ही पीता हूँ बॉस आंटी, अब ये वाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या? अरे वाय से मेरा मतलब है WHY। Why have you called me here? ऐसे ही बस तुमसे बातें करना चाहती थी, तुम्हें देखना चाहती थी। देखो देखो बॉस आंटी, अगर आप दोबारा से पुराने जख्मों को कुरेदने वाली हैं, तो मैं चलता हूँ। अरे बाबा, जख्मों के लिए मरहम दे दूँ तो? मरहम? मेरे को समझा नहीं। देखो, हमारी फैमिली से तुम्हारा रिश्ता बनते बनते टूट गया। देखा 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 बॉस आंटी, आपने दोबारा से जख्मों को छेड़ना शुरू कर दिया। अरे मरहम लगाने का यही तरीका होता है, पहले जख्म को छेड़ते हैं फिर मरहम लगाते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हमारी फैमिली से तुम्हारा एक रिश्ता तो टूट गया, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये रिश्ता दोबारा किसी और के साथ जुड़ जाए? मैं कुछ समझा नहीं आंटी। हाँ देखो, तुमने मुझे आंटी कहा, बॉस आंटी ने कहा, इसका मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अगर तुम और आयशा। मैं चलता हूँ बॉस आंटी, मैं बाद में आऊंगा। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? अभी हाँ कह दो, फिर बाद में आने की जरूरत ही नहीं। बॉस आंटी, आप भी ना बहुत वो इस तरह फंसा दिए कि निकलते नहीं बनता। अब मेरी समझ में आया कि आप लोगों ने आयशा की जिम्मेदारी मुझे की सौंपी, ताकि हम दोनों। बोलो बोलो, हम दोनों बोलो, आगे बोलो ना। मैं चलता हूँ बॉस आंटी, बाय। संजीव, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। आप गलत समझ लिए बॉस आंटी। मेरे इस डिसीजन से रवि बहुत खुश हो जाएंगे। बुआ, थैंक यू फॉर कमिंग रूपाली। आप ऐसा क्यों कह रही है बुआ? क्योंकि कायदे से मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, आप तो कंपनी के ओनर हैं बुआ, और फिर मैं तो एक सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी वाली मुलाजिम, मुझे तो डर था कहीं मैं देर से ना आई। रूपाली, तुम्हारा तंज जायज है, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि तुम मेरे इंटेंशंस को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। तुम मेरी दिमागी परेशानी नहीं समझ पा रही हो। अक्सर जो दवा असर करती है ना, वो कड़वी ही होती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा काम अप्रिशिएट नहीं कर रही। बुआ, जब आप किसी से मीठे की उम्मीद करें और कोई आपके मुंह में नीम के पत्ते ठूंस दे, तो वो चाहे कितनी ही फायदेमंद बात क्यों ना हो, वो जायका आपको जरूर तकलीफ देता है। आई अंडरस्टैंड रूपाली, हो सकता है मेरी सलाह तुम्हें गलत वक्त पे पहुंची है। I'm sorry. मुझे भी माफ कर दीजिए बुआ, मैंने भी आपसे बहुत कुछ कह दिया। दरअसल वो नहीं रूपाली, तुम्हें दुख हुआ और तुम्हें जाहिर कर दिया। ये दर्द तो हमारे रिश्ते की वजह से है ना, बुआ हो तुम्हारी। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुमने मुझे कह दिया, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक्स बुआ, ये रही आपकी अमानत, इसमें हरीश गिडवानी की सारी काली करतूते हैं, मैंने उस पर मार्क कर दिया है, आप एक बार देख लीजिए। एक बात और बुआ, आइंदा कभी भी आप अपनी भतीजी और भाई के अंदाजे को गलत मत समझिएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है हरीश गिडवानी ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। इस विश्वासघात के बाद किस पे भरोसा रखूंगी मैं? मुझ पर बुआ। हाँ रूपाली, सिर्फ तुम पर। थैंक्स बुआ, गुड नाइट। रूपाली, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, और जाने अनजाने में मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। बाय बुआ, गॉड ब्लेस बेबी। बॉबी। अरे संजीव, कैसे हो? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉबी यार, तुझसे कुछ बातें करनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो घर में बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं, अंदर नहीं, यहीं ठीक है, क्योंकि मैं तुझसे जो कहना चाहता हूँ वो शायद अंदर जाके ना कह पाऊँ। हाँ कहो, क्या बात है? तो बॉबी यार, आज मैं आयशा से मिला और बॉस आंटी से भी, हाँ जानता हूँ, आयशा की मम्मी को तुम बॉस आंटी कहते हो। हाँ, तो आयशा के साथ तो सारी बातें साफ साफ हो गई, लेकिन बॉस आंटी ने अपने नजरिए से मुझे अपनी बातें सुनाई जिनका मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे पाया यार।
मतलब ये सब तू मुझे बता रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। देख बॉबी, हमारी दोस्ती ज़्यादा पुरानी नहीं मगर गहरी ज़रूर है, इसलिए कुछ अनकही बातें हैं जो मैं समझ जाता हूँ। पर आज मैं एक बात तुझसे साफ साफ कहना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं और आयशा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। संजीव, ये सब तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझ में भी आयशा को लेकर एक जिम्मेदारी का एहसास है जो तुम्हारे अंदर भी है। पता नहीं बॉबी यार, तू सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी दिल की बात तुझे बिल्कुल सच सच और साफ साफ बता दी है। बस मैं तुझसे यही कहने आया था। अब मैं चलता हूं, अब तू जाने और तेरा सच। बाय। बिना गए तुमने मेरे झूठ को पकड़ लिया, वाकई तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। परेशान ना होइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रूपाली रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ऑल राइट। देखो कितना खून बह रहा है। रूपाली मामूली सी चोट है, डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ, बस वो गोली छू कर निकल गई, लगी नहीं है। ये तो खामखा घबरा रही है। संजीव बोल रहा हूँ। संजीव, कहाँ हो तुम लोग और रूपाली क्यों रो रही है? कुछ नहीं बॉस आंटी, वो क्या हुआ, आपसे मिलने के बाद मैं अपने दोस्त बॉबी को मिलने चला गया था। वहां से वापस आ रहा था तो इत्तेफाकन रूपाली रास्ते में मिल गई। बॉस आंटी, ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। क्या हुआ रूपाली को? कुछ नहीं हुआ बॉस आंटी, रूपाली बिल्कुल ठीक है। तुम बताते क्यों नहीं हो मामा को कि क्या हुआ? संजीव, ये क्या कह रहे रूपाली, क्या बताते नहीं हो? बताओ मुझे क्या हुआ। बता रहा हूँ ना रूपाली, तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो हेलो बॉस आंटी, वो क्या हुआ, किसी ने रूपाली पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला? ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। झूठ बोल रहे हो। हेलो मामा, किसी ने मुझ पर गोली चलाई थी। गोली? और संजीव बीच में आ गया, उसे गोली लग गई मामा। मुझे बहुत डर लग रहा है। संजीव को फोन दो जल्दी। हेलो बॉस आंटी। हाँ संजीव बेटा, कैसे हो तुम? बॉस आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गोली मुझे लगी नहीं, बस सिर्फ हाथ को छू कर निकल गई। ये रूपाली तो ऐसी घबरा रही है, आप फिक्र मत कीजिए। तुम लोग कहाँ, बताओ, तुम लोग रुको वहाँ पर, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं बॉस आंटी, आपकी आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बस निकल ही रहे हैं, हम लोग सीधा घर ही आ रहे हैं, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। ओके संजीव, मैं तुम लोग का इंतजार कर रही हूँ। बाय।
क्या जरूरत थी बॉस आंटी को बताने की? पता कितना घबरा गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो? रूपाली मुझे क्या होता, तुम्हारे सामने अच्छा बना तो खड़ा हूं। अब चलो, इसमें मैंने दवाइयां लिख दी हैं और पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। अब आप लोग घर जा सकते हैं, लेकिन टेक केयर, हाथ पर ज्यादा जोर न पड़े। ठीक है डॉक्टर। संजीव, मैं तुमसे, देखो रूपाली, अब थैंक्स थैंक्स मत कहना। मेरी जगह कोई और भी होता ना तो शायद वो यही करता। वो ये कभी नहीं करता संजीव। संजीव मैंने इतना सिक्योर पहले कभी महसूस नहीं किया। Special duty, crime branch. Sir, हरीश गिडवानी के केस की फाइल जो मिस्टर थापर के अंडर में है, आज से मैं उस केस का इंचार्ज हूं। Can I see that file? Of course, sir. Sir, this is the file. Sir, इस फाइल में मिसेस जया प्रसाद की कंपनी के खास मुलाजिम हरीश गिडवानी के किए हुए फ्रॉड्स के एविडेंस हैं, जिसे मिस्टर खुराना ने मिस्टर रवि नैयर के ऑफिस से इलीगली गायब किया था। और इस केस के गवाह कौन कौन है? बॉबी और संजीव। मिस्टर खुराना हमारी हिरासत में? यस सर। सर, खुराना ने पहले ये अपने बयान में कहा था कि ये फाइल उसने अशोक के कहने पर चुराई थी, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि ये गुनाह सिर्फ उसका था। बयान बदल कर गुनाह कबूल करने वाले मुजरिम हमारे तफ्तीश को नए आयाम देते हैं, ये मेरा तजुर्बा कहता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई और भी इंसान है जो इन गुनाहगारों से गुनाह करवाता है। मिस्टर जयंत, आप अशोक के नाम अर्जेंटली नॉन बेलेबल वारंट जारी कीजिए। मैं जल्द से जल्द उस इंसान को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। बट सर, अशोक को सलाखों के पीछे लाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। गुनाहगार को पकड़ना हमारा काम है, और अगर सबूत नहीं है तो सबूत पैदा किए जा सकते हैं, इधर दिस वे और दैट वे, क्योंकि हमारा मकसद है गुनाह को खत्म करना। सिर्फ इस वजह से कि गुनाहगार के खिलाफ हमारे दामन में कोई सबूत नहीं है, मैं इस वजह से उसको किसी और के दामन में दाग लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। ओके ओके सर। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस सॉल्व होकर रहेगा, वरना मिस्टर थापर के शॉर्टकट मेथड ने मुझे नाउम्मीद कर दिया था। नाउम्मीदी की बातें छोड़िए मिस्टर जयंत, और अशोक के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कीजिए। सर, और मैं अभी खुराना से मिलना चाहता हूँ। राइट सर। मिस्टर खुराना, आप हैं स्पेशल ऑफिसर विजय कपूर, आपसे इस केस के बारे में कुछ तफ्तीश करना चाहते हैं। ऑफिसर, मैंने अपना बयान दे दिया है, जिसमें मैंने कबूल किया है कि वो फाइल मैंने चुराई है। अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? रिलैक्स मिस्टर खुराना, आइए बैठिए ना। प्लीज टेक अ सीट। बैठिए। देखिए, बयान तो आपने दे दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये काम अपने अपनी मर्जी से नहीं किया था। किसी के दबाव या धमकी से डरकर आपने कमीनेपन का कदम उठाया था। वैसे हमें आपको छोड़ने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आप पेशेवर मुजरिम तो है नहीं। शायद आप जानते नहीं कि जो पिछले ऑफिसर जो आपके केस की छानबीन कर रहे थे मिस्टर थापर, उसको अशोक ने खरीद लिया था। क्या कह रहे हैं आप? वक्त बदल चुका है मिस्टर खुराना, और वक्त से भी तेज इंसान बदलते हैं। पैसे के लालच में थापर ने आपसे कबूल करवाया था कि वो फाइल आपने अपनी मर्जी से चुराई थी,
जबकि सच्चाई है कि अशोक ने उसे खरीद लिया था। मैंने तो सुना था कि चोर भी आसपास के चार घर छोड़ देता है, लेकिन ये अशोक मैं सलाखों के पीछे क्या आ गया कि उसने हमारी दोस्ती के रिश्ते पर डाका डाल दिया। वो इतने नीचे गिर सकता था ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऑफिसर। तो फिर सोच क्या रहे मिस्टर खुराना? भाई आप चाहते हैं कि अशोक बाहर घूमे और उसके हिस्से की सजा भी आप काटें? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती में कुर्बान होना शायद आप मुजरिमों की दुनिया का रिवाज हो। जैन तुम ठीक कह रहे थे, खुराना साहब को जेल में रहना ज्यादा पसंद है। एक मिनट ऑफिसर, ये सच है कि यह सब कुछ मैंने अशोक के कहने पर किया था, क्योंकि उसने मुझे जान से मार देने की धमकी दी थी, इसलिए सारे इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिए। अच्छा किया मिस्टर खुराना, आपने अपने सर का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन याद रहे अदालत के कटघरे में आपके बयान के अल्फाज बदलने नहीं चाहिए, क्योंकि अब एक ही रास्ता है आपकी आजादी का। मुझे भी बेसब्री से अपनी आजादी का इंतजार है, क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी का हक मुझे भी अदा करना है। जी चलो खाना। नहीं डाडा भूख नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे लगता है कि शिफाली के दिए इल्जामों से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। जिया मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती। देखो पहले तुम किसी को मजबूर करती हो, फिर जब वो आदमी तंग आकर इस घर की दहलीज को छोड़ता है तो इस घर में तुम्हें खालीपन का एहसास होता है और फिर तुम रोती हो। बेटी अगर तुम रोना नहीं चाहती तो किसी को क्यों मजबूर करती हो? मैंने शिफाली को घर छोड़ने से मजबूर किया? दादा मैंने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। नहीं जया, चीजों की कमी को पूरा होने से मन की जरूरतें पूरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बेटी को माँ का प्यार दे सकी हो। हाँ शायद तुमने शेफाली को वो प्यार जरूर दिया है जो एक दिमागी तौर पे बीमार मरीज को दिया जाता है। बस डेटा मुझे और शर्मिंदा मत करिए, आपको पता नहीं मुझ पर क्या गुजर रही है, मुझे मालूम नहीं मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। जया रोने से शेफाली लौटने तो नहीं वाली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम शेफाली के घर छोड़ने की एक वजह हो तो मुझे लगता है कि इस वजह की सजा तुम्हें मिल गई है। बेटी हम उसे ढूंढ रहे हैं और उम्मीद है कि वो मिल जाएगी। रोना बंद करो, चलो पहले खाना खाओ।